हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पैरट की फ्लाइट एंड केयर टिप्स में। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कैरियर से होंगे। तो दोस्तों आज लेके आए हैं अपने रिंगनेक के बेबीज को कि इनको हैंड फिट किस तरह करानी है। तो दोस्तों कुछ भाइयों को सवाल था कि रिंगनेक के बेबी को किस तरह हैंड फिट कराते हैं, तो ये रिंगनेक के बेबीज हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बताता हूँ दोस्तों उसको फीड क्या करानी है और क्या खिला सकते हैं उनको और इसको फीड किस तरह करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फीड बनानी किस तरह, और ये मैं आपको बता दूँ कि ये वही फीड है जो मैंने बनाना सिखाई थी आपको। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपने फीड वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपने लेना है 3 गर्म पानी। ठीक है दोस्तों, जो मैंने करके रखा हुआ है ताकि मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। 3 गर्म पानी है। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक बॉल में ले लेना है, उसमें डालना है, मैंने एक छोटी सी कटोरी है इसमें डाल के उस हिसाब से बनाऊंगा कि 3 बेबी आराम से ले लें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये वही फीड है और आपने इसको कितना बनाना है, किस तरह बनाना है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया आपको, और नहीं पता तो आप देख लें कि ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली। ठीक है दोस्तों, मिक्स कर लेता हूँ दोस्तों। हाँ तो जी दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को मैंने इसलिए ज़रा वहाँ से स्किप कर दिया ताकि जल्दी जल्दी बना लूँ और आपका टाइम ज़्यादा कम खर्च हो। ठीक है दोस्तों, और ये मैं आपको बता दूँ ये स्क्रीन थोड़ी प्रोफेशनल वाली है, इससे पहले अगर आपके पास ये नहीं है या आप नहीं ले सकते तो दोस्तों आप नॉर्मल जो मेडिकल पे मिलती है स्क्रीन आप वो ले सकते हैं 20 cc की। ठीक है, और आगे आप ये फिर सेट कर सेट में से ये निकाल के येलो वाला पाइप इसमें सेट कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि इसको यहाँ से अच्छे से टाइट, या तो एलपी लगा लें या इसको तार के साथ बांध लें। ठीक है दोस्तों, होता है कि जब आप इसको फीड कराते हैं बेबी को तो बेबी जो होता है वो अच्छे से फीड लेने लग जाता है तो खींचता है पाइप को अपने अंदर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी दोस्तों के साथ ये केस भी आ जाता है कि ये निकल के उसके क्रोप में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है ताकि आपका बेबी जो पैरेट का है वो बहुत अच्छे से रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं निकालता हूँ बेबी को। और एक चीज़ दोस्तों बता दूँ इन बेबीज में फ़र्क, अच्छा दोस्तों ये देखें ये दोनों एक इतने, क्योंकि एक दिन का फर्क है इनमें। ठीक है दोस्तों, एक दिन बड़ा है और एक दिन छोटा है, और ये वाला बेबी काफ़ी लेट निकला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं बता दूँ ये 8 दिन छोटा है इन वाले बेबी से। ठीक है दोस्तों, ये वाले बेबी से 8 दिन छोटा है। तो अब मैं इनको रखता हूँ वापस और आपको बताता हूँ कि फिर किस तरह कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों इनको फीड कितनी करवानी है। ठीक है दोस्तों, आपने इनको फीड अपने हिसाब से देखना है कि इसके क्रोप में कितनी जा रही है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ना भरना है और ना ज़्यादा मतलब हल्का छोड़ना है, इससे भी ज़्यादा पतला बनाएंगे तो दोस्तों आपके बेबी को मोशन लग सकते हैं, और अगर ज़्यादा गाढ़ी बनाएंगे तो दोस्तों आपके बेबी को, पैरेट के बेबी को ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो आपने अभी फीड कितना करवाना, तो स्टार्ट में आप 10 cc कराएं, फिर आपने देखना है कि आपका बेबी कितनी फीड ले रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे बेबी 15 cc लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये भर लिया 50 cc है। ठीक है दोस्तों, तो आपको नज़र आ रहा हो शायद मेरा कैमरा दिखा पाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो अब निकालते हैं बेबी को और फीड करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने फीड किस तरह करवाना है, सिरिंज को इस तरह से पकड़ लेना है और बेबी को इस तरह से पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, और इसका थोड़ा सा मुंह को खोलना है और साइड से पाइप डालना है अपने अंदर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने हल्के से फीड को पुश करना है, वो खुद ही लेना स्टार्ट कर देगा जैसे कि अभी ये बेबी ले रहा है। ठीक है दोस्तों, और आराम आराम से डालनी फीड को, कभी भी प्रेशर से नहीं एकदम से अंदर भेजना, उसके गले में दोस्तों इन्फेक्शन हो सकता है या उसके गले में लग भी सकता है पाइप। ठीक है दोस्तों, और ये 15 cc मैंने इसको दे दिए, और देख सकते हैं इसके प्रोब अभी भी थोड़ा खाली है दोस्तों। कभी भी अपने बेबी ने कभी भी आपने दोस्तों बेबी का पेट फुल नहीं भरना, इससे क्या होगा दोस्तों उसके ब्लॉकेज होने का खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या वो वापसी उल्टी कर सकता है। तो दूसरे बेबी को लेते हैं और सीट को भरते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये वाले भी मैंने 15 cc ले लिए और निकालते हैं कुछ लोग। ठीक है दोस्तों, ये मैंने निकाल लिया है और इसी तरह से सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका थोड़ा सा माउथ खोलना है और पाइप को इसके गले में उतारना है और आराम से आपने पुश करना है और बेबी खुद लेना स्टार्ट कर देगा। फिर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसने भी 15 cc ले लिए और इसको भी वापिस रखते हैं और अब बारी है छोटे वाले बेबी की। दोस्तों ये 10 cc फीड इसको मैं अभी करवा रहा हूँ क्योंकि छोटा है और इसका प्रोब भी छोटा है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जितना आपकी बेबी फीड ले उतनी ही देनी है और ज़्यादा पेट नहीं फुल करना। ठीक है दोस्तों, उसके पेट में थोड़ी सी जगह खाली रहने देनी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छे से फीड लेता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने फीड करवा दिया है और तीनों बेबी को मैंने फीड करवा दिया अच्छे से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाएगा दोस्तों तक, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।